हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गुंजन और आज मैं आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई किताबों के नाम जानने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर उनकी किताब का नाम है, उसका नाम है प्रेम तीर्थ, जो 2008 में पब्लिश किया गया था। सेकेंड नंबर पर आता है ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज 2009 में पब्लिश किया गया था। थर्ड नंबर पर है सोशल हार्मनी, जो कि 2012 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद है फोर्थ नंबर पर अ जर्नी, जो कि पोएम की किताब है, वो हुआ था 2014 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पर सेतु बंध 1 अगस्त 2014 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद है इंडिया सिंगापुर स्टोरी, जो 2015 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद है सेवेंथ नंबर पर साक्षी भाव, जो 2015 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद है कन्वेनियंट एक्शन, जो 30 नवंबर 2015 को पब्लिश किया गया था। एंड देन उसके बाद है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अ स्टेट्समैन, जो जुलाई 2017 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद है सामाजिक समरसता, जो 1 जनवरी 2018 को पब्लिश किया गया था। उसके बाद आता है एग्जाम वॉरियर्स, जो 3 फरवरी 2018 को पब्लिश हुआ था। उसके बाद लास्ट में आता है अबोर्ड ऑफ लव, जो 2018 में पब्लिश हुआ था। तो अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जो कि आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नरेंद्र मोदी जी की सबसे पहली किताब का नाम क्या है? ज्योतिपुंज यह किताब किस साल प्रकाशित हुई? सामाजिक समरसता किताब कब प्रकाशित हुई? श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी किताबें लिखी? तो आई होप आप लोग इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बता देंगे। थैंक यू। तो आई होप आप लोगों को सारी किताब याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।